हेलो फ्रेंड्स, ये माइक्रोटेक का EB1100 हमारे पास ये इन्वर्टर का बोर्ड आया था और इसमें प्रॉब्लम ये था कि बैकअप मोड में आउटपुट नहीं मिलता था। चेक करने पे सभी मॉस्फेट ओके निकले और ये 83202 SMD IC ये वाली फाल्टी निकली, यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका नंबर 83202 लगी हुई थी और इसमें ड्राइव वोल्टेज नहीं बन रहे थे। ड्राइव वोल्टेज नहीं बनने के कारण आउटपुट नहीं मिल रहा था बैकअप मोड में। इसके सारे मॉस्फेट भी ठीक थे, दोनों तरफ दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ 83202 के बदले, यानी इस IC के बदले 83202 के बदले 40821 लगाएंगे, क्योंकि ये 83202 की रिस्पॉन्स अच्छी नहीं है, इसमें बड़ा ख़राब निकल रही है। तो इसकी जगह हम 40821 नई IC लगाएंगे और लगा करके आपको टेस्टिंग में दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये नई वाली IC इंस्टॉल करेंगे, जो इमेज में आप यहाँ देख सकते हैं, इसका नंबर 40821B करके है और ये ओल्ड वाली है 83202, ये फल्टी है। इस IC को लगाने पे ड्राइव वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो हम 83202 IC की जगह ये 40821 नई IC लगाएंगे और लगाने के बाद टेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, 83202 ये SMD IC की जगह हमने 40821 नई IC लगा दिया है और लगाने के बाद इसका नंबर आप देख सकते हैं। पहले 83202 लगा हुआ था और अब हमने 40821B लगाया है। अब इसका ड्राइव वोल्ट ओके हो गया है। अब इसको हम लोग इन्वर्टर में इंस्टॉल कर देंगे, फर्स्ट क्लास का चलेगा।